हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए 2,3, बिंदु बी 4,k और बिंदु सी 6,-3 संरेखीय हैं। संरेखीय क्या होता है? यहाँ पर कहा गया है सवाल में संरेखीय है। संरेखीय का मतलब सभी बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। तो तीन बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं और तीन के तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तीन जब सभी बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तो उसी को संरेखीय कहा जाता है। 4,k और 6-3, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में xy-y प्लस, इसको हम इसी तरह लिखेंगे त्रिभुज के फार्मूले को, प्लस xy-y। इसको x1 कर देंगे, x2 हो जाएगा और ये x3 और ये y2, y3, y3, y1। y3 के बाद y1 आता है क्योंकि चक्रीय क्रम में देखा जाए तो y1 के बाद y2, y2 के बाद y3, y3 के बाद y1। तो ये y1 और ये y2, y2 पे इसकी शुरुआत हुई, y2 पे इसका अंत हो गया। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? शून्य है। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं और जब संरेखीय हैं तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। बराबर 1/2 ब्रेकेट में x1, x1 कितना है? ये आपका x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है, y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो x1 कितना है आपका? 2, तो ये हो जाएगा 2। y2 है k, तो ये हो जाएगा k माइनस। y3 कितना है? तो y3 है आपका -3, तो माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस x2 कितना है? x2 दिया है 4, तो 4। y3 कितना है? -3 माइनस y1 है 3, अभी हो जाएगा प्लस x3 कितना है? 6। y1 है 3 माइनस y2 है k, इसी को हल कर लेते हैं, शून्य होगा 1/2, ये 2 का गुणा k में हो जाएगा, 2k प्लस 2 तिहाई 6। और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, -3 -6 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 6 चौक 24 और -24 हो जाएगा ये। प्लस 6 3 18 माइनस 6k, अभी अगर 0 बराबर हो जाएगा 1/2, 2k यहाँ है, 6k यहाँ है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, 6k में से 2k आ गया, -4k। अब उसके बाद यहाँ पे 18 और 6 24, ये हो जाएगा 24 और यहाँ -24 है, +24 और -24 कट जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे -4k, -4k है आपका, 2 1 2 2 2 4, यानी 0 बराबर हो जाएगा -2k, तो k बराबर हो जाएगा 0/-2k, तो k बराबर हो जाएगा 0 में किसी भी नंबर से अगर हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आया 0। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।